जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। महाराष्ट्र विधानसभा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, ये विकास की जीत है, एनडीए के प्रति जनता का भरोसा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, झारखंड में भी जनता ने समर्थन दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के चुनावी नतीजों पर ये एक्स पर पोस्ट लिखा है। वो जनता ने मोदी जी को क्यों जिताया है, डेफिनेटली अंडर द करिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री, दिस हिस्टोरिकल जीत, हम विकास से जीते हैं क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास। असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है, कोई मैं तो इसको जाती तौर पर समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है इट इज इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव, वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। डेवलपमेंट काफ़ी की है अपनी, जो भी उनका दौर था उसमें उन्होंने डेवलपमेंट की है, जैसे कि आईटी में देख लें, आप किसी भी मुल्क के साथ देख लें, उन्होंने अपने तलकात नहीं ख़राब किए, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। वहाँ बहुत ऐसी मतलब के बड़े फैक्ट्रियाँ कह लें। जीत और हार वो होता है, जैसे हम फेल एक नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप एक नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है इलेक्शन, ये होती है जमहूरियत एंड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले क्या बात होती, हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, इलेक्शन में धांधली हुई है, रिगिंग कराई गई है, जो पार्टी भी हारती है कहती है रिगिंग। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट, राज्य के सीएम बनने का जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो गया, मतलब उसके अधिकतर रिजल्ट सामने आ चुके हैं, कल डिक्लेयर होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन रिजल्ट सामने। 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, 2 समाजवादी को, और इसी तरीके से बीजेपी को बहुमत मिल रही है अपने महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस को, और झारखंड में मोटी मोटा कांग्रेस और वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके अलायंस को बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सीटें इम्प्रूव जो है भारतीय जनता पार्टी की हर क्षेत्र में हुई है, और झारखंड में भी कुछ सीटें पहले से ज़्यादा हैं, इस बार 30 हो गई हैं, और जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चला और वहाँ भी बीजेपी ही सरकार बना रही है। खैर, पाकिस्तान में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मातम देखा जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया फिर चीख रही है कि जितने भी चुनाव आ रहा है बैक टू बैक नरेंद्र मोदी जी की ही पार्टी उसमें लीड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए ना, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस ही राष्ट्रीय लेवल पे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को टक्कर दे सकती है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां तो टक्कर नहीं देंगी, जब पीएम का रिजल्ट आता है तो अधिकतर कांग्रेस ही लीड करती हुई नजर आती है, क्षेत्रीय पार्टियां तो क्षेत्र में ही रह जाती हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज भारत में लगातार वैसी ही बनी हुई है, और भारत एक राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए खतरा है। सामने आई है और हुआ ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज होकर सामने आई, बीजेपी ने फट्टे चक देते ने, मतलब फट्टे ही चक देते ने, बीजेपी ने धड़न तख्ता कर दिए सभी का, क्योंकि बीजेपी की ये थर्ड कंजेक्टिव टर्म है, जैसे कि मोदी साहब की अपनी थर्ड कंजेक्टिव टर्म है, इसी में भी बीजेपी ने पाला मार लिया, मोदी साहब ने पाला मार लिया है हरियाणा में, और इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही थी, कहा ये जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई और पार्टी जीतेगी, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर की जा रही थी, लेकिन इसमें भी बीजेपी ले गई है, ले गए जी, सबको ले गए हैं वो। और स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है इलेक्शन, ये होती है जमहूरियत एंड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले क्या बात होती, हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, इलेक्शन में धांधली हुई है, रिगिंग कराई गई है, जो पार्टी भी हारती है कहती है रिगिंग हो गई, असी नहीं मानते, ऐसे तीजा फरीक आ गया, तीसरा फरीक है इसके अंदर, और थर्ड फरीक ने आके जो हमें हरवा दिया और उनको जितवा दिया, ये सिचुएशन है जी, है जी।
तो वो कह रहे हैं जी पप्पू एंड कांग्रेस इज ईटिंग जलेबी इन हरियाणा। तो जलेबी जो है ना योग जी, वो जलेबी बड़ी मजे की होती है। वैसे आपने जलेबी का नाम ले लिया तो खाने का दिल कर पड़ा है। अब आपको पता है अमेरिका में जलेबी कितों आनी है, लेकिन कहीं से ढूंढ डांड के मिल ही जाती है। इंडियन स्टोर्स जो है ना वो वहाँ पर जो इस तरह की वो रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पर मिलती है। अच्छा जलेबी को छोड़ते हैं, जलेबी वाले रिजल्ट नहीं आए, जलेबी जैसे रिजल्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जलेबी जैसे रिजल्ट होते हैं। वो कहते हैं किसी ने पूछा जी किसी उससे कि जी आप जलेबी की इंग्लिश कर दें, तो किसी ने कहा राउंड 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 फुल स्टॉप। तो वो जो राउंड 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 वाली सिचुएशन होती है ना रिजल्ट्स में पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया में ऐसे रिजल्ट नहीं आते, सीधे सीधे बिल्कुल साफ। वो कहते हैं ए लो जी ए हारे अजय तो ए जीत गया जे, हूँ कर लो जो करना है। तो अब मैं देख रही थी कुछ लोग जो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे कि जी अच्छा ये समझ में नहीं आती, जैसे ही वो होते हैं ना इलेक्शन, उसके फौरन बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जी ये धांधली हो गई होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर पता ही चलता है कि उनकी उनको कुछ ऐसी सीटें मिल गई हैं कि उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि अगर ये हुआ था तो फिर ये सीटें कैसे मिल गई आपको। चले खैर ये उनके अपने अंदरूनी मामले हैं। तो इसके ऊपर ये है कि पीएम मोदी पॉइंटेड आउट दैट बीजेपी हैड सेट ए रिकॉर्ड बाय विनिंग एंड थैंक वोटर्स फॉर द वर्डिक्ट। जो भी जीतता है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और हारने वाले को सोचना चाहिए हम नेक्स्ट टाइम अच्छी मेहनत करेंगे। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया का एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ की, ठीक है, उसके हर तरह से तलकात अच्छे हैं। जैसे आप देखें उनकी सेलेब्रिटीज़ जो हैं, एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, हर तरह से उनकी उनसे तलकात अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी की है, अपनी जो भी उनका दौर था उसमें उन्होंने डेवलपमेंट की है। जैसे कि आईटी में देख लें, आप किसी भी मुल्क के साथ देख लें, उन्होंने अपने तलकात नहीं ख़राब किए, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। वहाँ बहुत ऐसी मतलब के बड़े फैक्ट्रियां कह लें, कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे, यहाँ तक देख लें कि आईफोन का या कोई भी बड़ा आप देख लें, पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं है, कोई कार के हवाले से देख लें, हुंडई ले लें, कोई भी वहाँ पर हर चीज़ उन पे मौजूद है। उनकी यही वजह है कि उनके तलकात हर मतलब के मुल्क से अच्छे हैं और वो अपना डिवेल्प कर रहे हैं मुल्क को, इस लिहाज से वो वहाँ के फेमस है। उन्होंने आवाम के लिए काम किया होगा, आवाम को राइट्स हैं, बेसिक उनके राइट्स हैं, तभी उन्होंने वोट किए नरेंद्र मोदी के लिए। ऑब्वियसली अगर उन्हें कोई अच्छा लगा होगा, नरेंद्र मोदी में कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो उन्होंने चूज़ किया है, वरना वो कभी भी चूज़ ना करते। तो उनकी गवर्नमेंट में ये कि इकॉनमी ऊपर जा रही है, तो उन्होंने रिसेंटली डेवलपमेंट्स भी किए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उन्हें वोट्स भी मिले, तो वो काम कर रहे हैं, लोगों ने पसंद कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, जो मोदी है वो तो एक बड़ा नोन फैक्ट है कि ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट और एंटी पाकिस्तान है, और पंजाब में भी इनफैक्ट उसको वो तो पिज़राई नहीं मिली जो कि रेस्ट ऑफ द उसको इंडिया में उसके पास है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि मोदी का भी अब लास्ट पॉइंट है, और अब इसके बाद मैं नहीं समझता कि इंडियन अवाम जिस तरह की वो वहाँ पे मुस्लिम के साथ एंटी मुस्लिम उसने बर्ताव रखा हुआ है, एंड हमारी ख़वातीन के साथ या हमारे मुसलमानों के साथ जो उसका बर्ताव है, तो आई अंडरस्टैंड के अ डे विल कम के ये मोदी जो है ही विल नो मोर एग्जिस्ट। ये मेरा एक इसमें व्यू पॉइंट है। हर छः माह पाँच माह के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी जो ऑडियंस है, मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान पर कोई भी बात कर दी कि हम हमला करेंगे, ये आप कुछ ये दो दिन पहले की बात देख लें, उनकी तरफ से जो ड्रोन आया, ये खबरें चल रही हैं जो मियाँ चनू के करीब गिरा है, उसको ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान पे अटैक करते रहते हैं इस तरह की बात करके। एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। आप उन्होंने ये बात की, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की जानिब से ये बयान भी आया कि ये बाय मिस्टेकन हुआ और इस पर रिग्रेट है हम लोगों को और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उनका बयान आया। इस पर मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। नहीं वो तो बात ठीक है कि उनका बयान आया जो भी आया, यार बाई मिस्टेक ऐसी चीज़ें नहीं होती। एक ड्रोन आया इधर पाकिस्तान में, बाई मिसाइल आया है, लेकिन वो बाई मिस्टेक तो नहीं ना होता कोई भी चीज़। हो सकता है बाई मिस्टेक हो। बाई मिस्टेक मतलब उनकी इतनी बड़ी पॉलिसी है, उसके पीछे इतने रिसर्चर्स बैठे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। तो यही वजह है कि वो पाकिस्तान को हर तरह से टारगेट करते हैं। वैसे उनके तलकात जो हैं सारे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उनको पसंद किया जा रहा है ना कि उन्होंने अपनी हुकूमत में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई और डेवलपमेंट की हर फील्ड में, और जो कि नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, आप खुद देख लें कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में कितना आगे डेवलपमेंट के लिहाज से, कौन सी चीज़ है जो वहाँ नहीं है, हर तरह की। अगर कोई भी बड़ा आप देख लें, मैं पहले बता चुका हूँ कि हुंडई देख लें, हर तरह के वहाँ पर
उनके लगे हुए हैं जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी जी देखिए जी, वो एक उसने जो एक स्लोगन दिया है ना एंटी मुस्लिम, वो एंटी मुस्लिम जो एक फैक्शन है वो उसका वर्कआउट कर रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कब तक इंटरनेशनल आपके जो वो हैं कंट्रीज़ हैं वो भी इसको देख रही हैं, और जिस तरह की वो कश्मीर के अंदर उसने एक आप समझें सबको कैमफ्लॉज कर दिया है, तो यू नो वो कहते हैं उर्दू में तंग आमद बजंग आमद, तो डेफिनेटली व्हेन यू विल सप्रेस एनीबॉडी दे विल कम आउट, और डेफिनेटली दिस विल बी डन वन डे। तो मैं समझता हूँ कि जी इन लॉन्ग रन अगर आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप अगर हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखें